अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक से पूर्व एक पत्र नव मुस्लिम समाज के लोगों ने भेजा है। आपको बता दें कि पत्र में ट्रस्ट से पूछा गया है कि क्या कब्रिस्तान की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील MR समसाद ने एक पत्र तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि 67 एकड़ भूमि में कुछ भूमि कब्रिस्तान की जमीन है और ऐसे में मानव कंकाल पर क्या हिंदू समाज राम मंदिर का निर्माण करेगा। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस पत्र को खारिज करते हुए कहा कि जब मसला देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है और मुस्लिम समाज ने इसको स्वीकार किया है, तो फालतू का विवाद क्यों, उनका इस पत्र से कोई लेना देना नहीं है। चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला कर दिया, हिंदुस्तान में एक सौहार्द रहा, हिंदू मुसलमानों ने उसको तस्लीम किया, वही होना चाहिए। और ये हमारा देश है, लोग स्वतंत्र हैं, कोई क्या पूछता है कोर्ट से, कोई क्या करता है, उसका जवाब कोर्ट दे। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि 9 तारीख को जो है आप लोग सोच लें कि 9 को कोर्ट ने फैसला कर दिया है, अब उस पर आप अमल करें। और मंदिर मस्जिद विवाद जो है ये बहुत एक भयंकर विवाद था जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया और सौहार्द रहा। एक सिंपल सा पत्र ये है, सूचना दी दी गई भाई वहाँ कब्रस्तान है और कब्रस्तान में क्या मानव स्थल ऊपर राम मंदिर बनाया जा सकता है, ये हिंदू समाज को तय करना है, सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक कब्रस्तान की बात है, ये हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि ये नजूल रिकॉर्ड्स में, रेवन्यू रिकॉर्ड्स में और जो गजट्स हैं उसमें सब जगह शामिल है। सवाल ये कि जो मुकदमों के अंदर जिसका इंतराज है पहले से चल रहा है और हाईकोर्ट तक वो गया है, एडमिट किया हाईकोर्ट ने भी एडमिट किया, तो अब सवाल ये कि आज हम अगर ये तो बता रहे हैं, हमें देखिए हमें ये बताना है ये ट्रस्ट को कि वो कितने बड़े हिंदू हैं, क्या मानो। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।